इसको देख के इसके बाप को क्यों नहीं गुस्सा आएगा? इसी के चलता रहा। ये हमारे राक्षस महाराज पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉक्स क्रिएशंस। तो आज हम लोग जाने वाले झिरी लेक। तो बिना देरी किए चलिए पहले आप लोग को मिलाते हैं दोस्तों से। तो ये पहला दोस्त जो चश्मी से वो है हमारे और दूसरे हैं अमित अवीर आर्जे, जो कि आप जानते हैं अविराज। और ये हमारे एक नए दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर, इनका नाम है अभिषेक। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आखिरी मित्र आ चुके हैं। शशांक जी थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दीजिएगा। सूरज अगर सर्कल बनाना, सर्कल वाओ गजब। ये देखिए इनका हुलिया, दो दो हेलमेट, ये बोलते हैं पुलिस का डर। हाँ तो प्रतीक मास्क नहीं, बस मास्क नहीं, बहुत अच्छा है। लाइसेंस इसने होगा, गाड़ी का पेपर नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, सारा चीज सब कुछ बोलने में क्या जा रहा है। तो गाड़ी का तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस अब निकलने वाले हैं। हेलमेट सारा कुछ तैयारी, मेन देखिए हेलमेट ही है, हमेशा सावधानी का ध्यान रखिए। हाँ तो दोस्तों आखिर आधा रास्ता हम लोग का कवर हो चुका है और हम लोग फिलहाल गुजर रहे हैं रिंग रोड से। तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग रांची झारखंड से हो तो आप लोग भी जानते होंगे कि रिंग रोड कितना अच्छा रास्ता है। यहाँ पर 4 लेन होने के कारण काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारे जो राइडर्स वो संडे का दिन या फिर ऐसे ही वीकेंड का दिन यहाँ पर आ जाते हैं गाड़ी चलाने। दोस्तों फिलहाल आप लोग देख सकते हैं अभिषेक जी खूब मस्ती कर रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं और उनके जो स्कूटी है उसको चला रहे हैं प्रतीक जी। तब अभिषेक जी देखिए कैसे कर रहे हैं वो। दोस्तों फिलहाल जो बादल है वो काफ़ी ज़्यादा, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी है, तो आई थिंक अब बारिश दे ही देगा। तो वैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर बारिश देता भी है तो मैंने सबको बोल दिया है कि बारिश देगा भी तो भी हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग भीगते ही जाएंगे क्योंकि हम लोग को आज ब्लॉगिंग कम्प्लीट ही करना है। भले ही आज भीग के बीमार पड़ जाए पर ब्लॉग तो आपको आज मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये है डंपिंग ग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं कूड़ा हटाया जा रहा है, कितना विशालकाय हो गया है बताइए, इतना सारा कूड़ा। तो दोस्तों अनलकीली हम लोग का जो रोड से हम लोग को जाना था वो अभी ब्लॉक्ड है क्योंकि वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को गलत लेन में आना पड़ा क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ भी इधर से ही जा रही है तो हम लोग को भी आना ही पड़ा। वैसे कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि यहाँ से ही जा सकते हैं हम लोग, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। तो फिलहाल रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और एक मिनट देखिए ओहो यही होता है, रॉन्ग साइड से जाने पर यही होता है, जबकि हम लोग बहुत सावधानी से चला रहे हैं लेकिन जो उस तरफ से आ रहे थे उनसे हल्का सा मिस्टेक होते होते बच गया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अभी काफ़ी क्लोज आ चुके हैं झीरी लेक के और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ ये जो जंगली पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये जो हरियाली है और जैसे आप लोग को पता भी होगा कि हरियाली जो है आंखों को सुकून देती है। तो दोस्तों अब बस 2 मिनट का इंतज़ार और हम लोग होंगे झीरी लेक पर। वैसे दोस्तों ये देखिए जो तालाब है वो दिल के शेप का है, तो अगर आप लोग कपल हो तो आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचाइए, काफ़ी मज़ा आएगा, डालिए इंस्टाग्राम में। और जैसे रोड का कंडीशन उतना खास नहीं है, वैसे भी गाँव का रोड का कैसा कंडीशन होगा, ठीक ही ठाक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि झीरी लेक पहुँचने से पहले हमें छोटा सा लेक पार करना पड़ेगा और डर के कारण यहाँ पर देखिए अभिषेक जी उतर चुके हैं और मैं भी उस बाइक से उतर चुका हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं झीरी लेक रांची झारखंड का। तो अभी आप लोगों को मैं सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा इस जगह के और आप लोग उस शॉट्स को देख के एंजॉय कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? दिखाने बैठे
तो अभी कुछ देर के लिए शशांक जी हमारे ब्लॉगिंग चैनल संभालेंगे। शशांक जी थोड़ा सा। हे गाइस, मैं सनी शशांक, जो आपको बोलना चाहे मैं अभी कॉलोनी में रहता हूँ। रवि भैया मेरे बहुत ही अच्छे मित्र रहे हैं स्टार्टिंग से। ये हमारे, मैं इनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। ये देख रहे, इनका मुंह देखिए आप, थोड़ा सा टाइम निकाल के। सो गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ का ओवरऑल रिव्यू। ये बहुत सारे एस्पेक्ट में डिवाइडेड होगा। पहला, पानी कैसा है यहाँ पर, एम्बियंस कैसा है, कैसे कैसे लोग आते हैं, फिर अगल बगल का प्रोजन कौन से, यहाँ पर आप कितने बजे तक रह सकते हो, कितने बजे तक नहीं रह सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ से अगर आप ये एक विंटेज पॉइंट है, जो आप सीधा घुसोगे तो यहाँ पर एक जगह आएगा, यहाँ से आपको सीधा नीचे जाने का पूरा अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप एकदम नहीं उठाइएगा जीवन में, क्योंकि आपके लाइफ पे आ सकता है। वहाँ पर एक आदमी स्विम कर रहा है जो कि बहुत ही वियर्ड है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, पर वो कर रहा है, कोई बात नहीं। अब ये है पैनोरामिक व्यू है पूरा यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से मेरे को लगता है कि एक्चुअली वहाँ पर एक क्रशर भी है पीछे, तो ये यहाँ से वो बाहर तोड़ते हैं, उसके बाद बोल्डर में डिवाइड करते हैं एंड बोल्डर्स को फिर वहाँ पर जाके क्रश करते हैं, उनसे चिप्स बनता है, बेसिकली उसके घर बनता है। हम यहाँ पर आए, वो मेरी गाड़ी हीरो मास्टर एज 110 BS6 नहीं है, बेसिकली BS3 है, आई बिलीव BS3 है, 8 BHP, रवि सर का जिनका ये चैनल है, रियली गुड पर्सन, लाइक रियली, उनका अपाची RTR 160 एंटॉक 125, एवरीवन इज टोटली अवेयर ऑफ दैट। लाइक ये गाड़ी एक ऐसा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन गाड़ी है, तो तहलका मचा दिया TVS, एंड इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस व्हीकल इज द TVS रेसिंग, बहुत एपिक। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज ये है कि यहाँ पर आपको कभी कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। दूसरा बात यह है कि वहाँ पर एक पहाड़ है जो आपको दिख रहा होगा, बेसिकली वो पहाड़ क्या है कि वो एक डंप वाला पहाड़ है। नाउ व्हाट इज अ डंप माउंटेन इज दैट पूरा जो ओवरऑल रांची है वहाँ का जो टोटल वेस्ट है वो आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आके डंप किया जाता है, जिसके वजह से पहाड़ बन गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिन विन में जब लाइट थोड़ा सा हवा तेज चलती है उस डायरेक्शन से, तो वहाँ का स्मेल यहाँ आ जाता है, जो विच इज द वेरी बिगेस्ट कॉन इन दिस प्लेस। ये पहाड़, ये हमारे अभिषेक सर हाथ में लाइए और बताइए, मूछ पूरा एकदम घुमा रहे आजकल, और वो आदमी का ब्लॉग के स्टार्टिंग से देख रहे हो कि वहीं पर हग रहा है, अभी तक वहीं पर हग रहा है, बस पोजिशन चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है, तो ये इस जगह पर आप लोग, जैसे शशांक भाई ने अभी जस्ट कहा, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ विजिट करिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, शांति का माहौल है और यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। बेसिकली अभी मैं वहाँ दिखाया था, वहाँ पर एक विंटेज पॉइंट है जहाँ से कूदना एडवाइजेबल एकदम नहीं है, यहाँ पर ये एक विंटेज पॉइंट है, आप यहाँ से कूद के अगर आपको स्विम करने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप ये कर सकते हो, पर वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वहाँ से कूदना मना है, तो वो भी आपको दिखा देंगे अभी रवि सर, बाकी तो भाई चलता ही रहता है। आइए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कूदना मना है, पर ये जानवर यहाँ से कूदने का प्रयास कर रहा है। कूदने का देख रहे थे गहरा कितना है, हाँ तो कुछ मतलब कूद के ही देख रहे थे कि गहरा कितना है। हाँ, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे दोस्त जो है वो फोटोज खिंचा रहे हैं, तो जैसे आप लोग यहाँ का जो माहौल है वो देख सकते हैं कितना अच्छा, यहाँ का जो नजारा है वो कितना सुहावना दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ इंजॉय कीजिए, नीले नीले आसमान और ये जो ग्रीन ग्रीन कह सकते हैं, ग्रीन ग्रीन पानी, पर ग्रीन का बात ही कुछ अलग है, एकदम हरियाली। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटीज, चलिए देखिएगा अभी फटाफट, है ना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं वहां पर कितना सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है, और ये देखिए नजारा कितना सुंदर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है। वहां अमित जी भी अपना फोटोज क्लिक कर रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोगों ने यहाँ के बारे में सारा कुछ कवर कर लिया है और आप लोगों को काफी सारा आइडियाज हो गया होगा कि प्लस यहाँ पर आप लोग आइए और यहाँ पर जिस तरह का आप लोगों का माहौल दिखा है उस हिसाब से ही मिलेगा एग्जैक्टली। और आप लोग यहाँ पर आ करके जो भी फोटोज और वीडियोज बनाना है या फिर आप लोगों को शांति से समय बिताना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं कोई भी वीकेंड में या फिर संडे के दिन पे। ये देखिए हमारे फिटनेस फ्रीक को प्रतीक जी, इन्होंने अभी साफ मना कर दिया कि ये बिस्कुट नहीं खाएंगे। वाह प्रतीक जी, हैंड्स ऑफ टू यू। वैसे फ्रेंड्स मैं ना अभी फोटोज डाल दूंगा प्रतीक जी का कि जो पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहले से कुछ सुधार आया है कि नहीं इनका हेल्थ पे, और हम जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं मानते बुरा, नहीं मानेंगे, नहीं एकदम बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग टेंशन मत कीजिए। तो फाइनली वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर, और देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अमित जी अपना हेलमेट पहन चुके हैं प्लस अपना हेलमेट मुझे देने वाले हैं,
देखिए इनको देखिए अपने से। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हेलमेट कैसा लग रहा है। अमित जी प्लीज सेवर, हाँ ठीक है वेरी गुड। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट करके क्या कैसा लग रहा है ये। चलिए तो यहाँ से निकला जाए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।